Assalamu alaikum. Thank you all of you to watch this video. In this video, today we will learn about the laws of physics, but it's the most important laws. Today I will tell you about the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. According to the definition, first law of thermodynamics says that change in the energy of a system is equal to the sum of all transfer of energies across the system boundary. देखिए first law of जो Newton के first law इसके जो क्या कहते हैं conservation of mass की मिसाल लेते हैं कि energy cannot be create or destroy but it can be transferred from one body to another body with in the form of other form of energies. Now is same like that the first law of thermodynamics. क्या कहते हैं first law of thermodynamics कहता है कि energy को हम एक जगह से दूसरी जगह में तब्दील करते हैं. In case of describe the process in which only internal energy change and only energy transfer or by heat and work. Internal energy जो होगी वो transfer होगी heat and work की form में. यहाँ पे देखिए हम internal energy, आप एक example लेते हैं, एक piston है, ये जो engine है इसकी एक example लेते हैं. देखें यहाँ पे जब engine जो मूव कर रहा है ये मैकेनिकल वर्क ये काम कर रहा है और इसके अंदर इंटरनल एनर्जी जैसे ये कि ये जो मैकेनिकल वर्क जो सारा प्रोसेस हो रहा है ठीक है ये घूम रहा है ठीक है इस तरह मूव कर रहा है सर्कल फॉर्म में तो इसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो बराबर होगी इसके मैकेनिकल वर्क और हीट के बराबर ठीक है ये जो इंटरनल एनर्जी बराबर होगी मैकेनिकल एनर्जी और हीट के फॉर्म में तो अब मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास एक एनर्जी है इसको हमने ट्रांसफ़र किया है वर्क और एनर्जी के फॉर्म में हीट के फॉर्म में तो वो इंटरनल एनर्जी हमें ये प्रोड्यूस कर रही है ठीक है इस तरह मूव कर इसी तरह अगर एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे एक पिस्टन को हम मूव कर रहे हैं और इससे हीट दे रहे हैं तो इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ठीक है इट मीन्स दैट यहाँ पे हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं ठीक है इसकी इंटरनल एनर्जी जो इसकी इंटरनल एनर्जी बराबर होगी वर्क और इसकी हीट के बराबर ठीक है इसमें जितना हीट प्रोड्यूस होगी इसी हिसाब से वो हम हीट भी दे रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी ठीक है तो इस तरह कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर आइडियल गैस इज इनक्लोज इन सिलेंडर देखिए इनक्लोज सिलेंडर में है प्रोवाइड द मूवेबल पिस्टन दिस इज द मूवेबल पिस्टन एंड द एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज बाई अमाउंट यहाँ पे जो इंक्रीज ऑफ एनर्जी अमाउंट बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डी जैसे इंटरनल एनर्जी हमने स्मॉल एक एरिया लिया है सम मैकेनिकल वर्क इसमें जो हम सम मैकेनिकल वर्क भी कर रहे हैं इसको हम वर्क नाम देते हैं इज डन बाई द सराउंडिंग व्हेन हीट एनर्जी क्यू जो एनर्जी क्यू है फ्लो इन टू द सिस्टम जब यहाँ पे एनर्जी जो है वो फ्लो होगी इन सिस्टम की फॉर्म में एनर्जी फॉर्म में अब देखिए वर्क डन टेकन नेगेटिव अगर हम वर्क डन को नेगेटिव कब लेंगे और पॉजिटिव कब लेंगे एक मिसाल ये देते हैं कि फॉर देखिए अगर हीट एनर्जी इज कंसीडर पॉजिटिव हम एनर्जी को हीट एनर्जी जो डी जो क्यू है वो हम इसको हीट एनर्जी कहते हैं और ये मैकेनिकल वर्क है ठीक है ये इंटरनल एनर्जी है अगर इसको वॉल्यूम ज़्यादा हो ठीक है अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो देखिए यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की बात करें इनिशियल वॉल्यूम 4 अब यहाँ पे 4 लेते हैं और यहाँ पे 1 लेते हैं अगर इनिशियल वॉल्यूम 1 हो ठीक है और फाइनल वॉल्यूम 4 है तो इस वक्त अगर हम लेंगे पॉजिटिव वर्क वर्क पॉजिटिव होगा अगर फाइनल वर्क 0 है फाइनल वर्क ज़्यादा है और इनिशियल वॉल्यूम कम है तो इट मीन्स डेट हम इसको नेगेटिव लेंगे ठीक है कब लेंगे हम फाइनल वर्क अगर देखें वॉल्यूम वी एफ ज़्यादा हो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको वी एफ फाइनल वॉल्यूम और वी आई इनिशियल वॉल्यूम हम लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम वर्क की बात कर रहा हूँ ठीक है वर्क कब नेगेटिव होगा वर्क तब नेगेटिव होगा व्हेन फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो ठीक है मतलब हम वर्क कम कर रहे हैं ठीक अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो
इनिशियल वॉल्यूम, अगर इस वक्त हम वर्क पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, वर्क हम पॉजिटिव लेंगे। अगर नेगेटिव वर्क तब लेंगे जब हमारे पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा और फाइनल वॉल्यूम, ये सॉरी, इसको हम नेगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव लेंगे। कब लेंगे? इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा और फाइनल वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम पॉजिटिव, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा हो तो। अब एक से एग्जांपल दे देता हूँ इसी तरह, देखिए ये जो देखिए वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम फोर हो रहा है और इनिशियल वॉल्यूम मतलब ये किसकी, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह हम वर्क पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो है कि इंटरनल एनर्जी बराबर होगी हीट और मैकेनिकल वर्क के बराबर, बट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, हम क्रिएट नहीं कर सकते और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज कैन बी कन्वर्ट इंटू हीट एनर्जी, बट टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। इट मीन्स दैट हीट इज एडिड टू सिस्टम, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्म सम वर्क। हम इंटरनल एनर्जी को वर्क के तौर पर एड करते हैं और परफॉर्म वर्क करते हैं, ठीक है। आई होप को उम्मीद है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या कहता है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी जो बराबर होगी वो हीट और इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी बराबर होगी वर्क और हीट एनर्जी के। और अगर आप इंटरनल एनर्जी फाइंड करना हीट एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, हीट एनर्जी बराबर होगी इंटरनल एनर्जी वर्क, इंटरनल एनर्जी माइनस इस ये जो माइनस प्लस वर्क, ये जो हमारे पास होगी वर्क के। तो हम हीट एनर्जी, हम यहाँ से ये ऐसे फाइंड करेंगे कि हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है हीट इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात ये है कि थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, थर्मल एनर्जी यहाँ पे जो हीट इंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए वर्क भी दर कर रहे हैं और इन एनर्जी भी दे रहे हैं, ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, हीट एनर्जी और वर्क के। यहाँ पे भी है, देखिए इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, हम हीट दे रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, तो दो एनर्जीज बराबर होंगी इसकी इंटरनल एनर्जी के। जितना हम इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे और वर्क बढ़ाएंगे इतना इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो ये है मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज दैट हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज, इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जीज, जो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड कि फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सेकंड लॉ के बारे में, ओके। कन्फ्यूजन डॉट है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू, आई लव यू, वॉच दिस वीडियो।